I don't know where I am, I don't know where you take me. I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this i'm oh love, cause I'm a prisoner I just want to look my पागल करती हो पहले चीजें फेंकती हो आप नहीं फेंकते सबसे ज्यादा तो आप फेंकते कभी फोन फेंकते कभी इसको फेंकते कभी उसको फेंकते अगर कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी फेंकते आप ना एक नंबर के फेंकू इंसान फेंकू लड्डू के भैया को आपने काहे ना ही बताया कि आपके हाथों में गेम लगा हुआ है भाभी जी इज नॉट गेम गम जी यू एम गम सही पकड़े हैं <laughs> मेरे पापा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं okay. तुम अपना मुंडी हिलाना ओके okay. uh, क्या हिलाना मुंडी मुंडी क्या हेड ओके oh, okay. हेड हिलाना हिलाऊंगा <laughs> हेड हिलाऊंगा मुंड हंस क्यों रही हो हां हां हंसी होती है मैं स्माइल हाँ वही, जो भी करियो तो

हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और आप सभी कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे तो देखिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ये वाला मेकअप लुक जो कि आप किसी भी फंक्शन में इस तरीके से रेडी हो सकते हैं बहुत ही कम टाइम में काफी इजी वे में मैंने ये वाला मेकअप क्रिएट किया है बहुत ही और आपको इस मेकअप में मैंने जो बेस बनाया है वो एक ब्यूटी पार्लर मतलब जो पार्लर में बेस बनाए जाते हैं कभी भी आप ट्राई किए कभी भी आप चेक करिए पार्लर में कभी भी डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया जाता हमेशा उसका बेस अलग तरीके से बनाया जाता है तो जस्ट उसी को देखते हुए मैंने उसी प्रकार से ये वाला बेस बनाया है आप चाहे तो अपने सेट का इसी प्रकार से बे मतलब बेस बना सकते हैं मैंने आपको इसमें बना के दिखाया है और ये वाला मेकअप लुक काफ़ी अच्छा हुआ था मैंने आई मेकअप कुछ अलग किया था क्योंकि येलो कलर का क्रीज लाइन पे आई मेकअप कभी मैंने नहीं किया है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी बट एट दी एंड में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया तो बहुत ही सुंदर आई मेकअप हुआ था मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था आई मेकअप क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा आई मेकअप नहीं किया तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपने फेस को सबसे पहले अपने फेस को कर लेंगे हाइड्रेट यहाँ पे आयो टोनर हम यूज़ किए हैं और टोनर से आपका फेस हाइड्रेट हो जाता है काफ़ी अच्छे से और फिर देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सीरम सीरम है वाओ का सीरम आप जरूर अप्लाई किया करिए सीरम अप्लाई करने से आपको कोई भी प्रोडक्ट्स हार्म नहीं पहुँचाता आपकी स्किन पे और आपको किसी भी प्रकार का पिंपल्स वगैरह नहीं निकलता फिर यहाँ पे देखिए अप्लाई करेंगे हम प्राइमर प्राइमर हम ले लिए हैं मैलियो का प्राइमर आप जरूर अप्लाई किया करिए प्राइमर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपके पोर्ट्स लॉक हो जाते हैं ब्लर हो जाता है और काफ़ी स्मूथ फिनिश लुक दिखता है और आपने अगर नोटिस किया होगा तो आज देखिए हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ किए हैं जब हम अपना बेस बनाएंगे तो उसी में हम यहाँ पे उसी टाइम पे हम मतलब उस उसी में फाउंडेशन में यूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए एक ओलिविया का स्टिक है एक कलर सेंस का फाउंडेशन है ओलिविया है जीरो सेवन इसका सेड है और कलर सेंस का अपने स्किन से मैच करते हुए मैंने कलर ले लिया था थो, थोड़ा डार्क कलर था तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे बस जस्ट थोड़ा सा हमें ओलिविया मतलब ओलिविया स्टिक लेना है ओलिविया फाउंडेशन उसके बाद जस्ट एक ड्रॉप हमें कलर सेंस का फाउंडेशन लेना है आपको आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं आपको मैंने जो प्रोडक्ट दिखाया आप वही यूज करिए फिर यहाँ पे जो है स्किन फ्रूट का वन ड्रॉप मॉइस्चराइजर हम ले लिए थे इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके वार्म अप कर लेंगे बहुत ही स्मूद टेक्सचर इसका बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना रहे फिर इसे देखिए हम अपने फेस पे अप्लाई करें और देखिए हमने कितने कम क्वांटिटी में यहाँ पे सब कुछ लिया था बट इतने में ही पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो गया था और बहुत ही स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो रहा था काफ़ी ग्लोई सा लुक दे रहा था बहुत ही स्मूथ ब्लेंड हो गया था आप जब भी ब्लेंडर यूज़ करिए तो आप अपने ब्लेंडर को एक बार पानी में जरूर भिगा के निचोड़ लीजिए कभी भी ड्राई ब्लेंडर आप मत यूज़ करिएगा उससे क्या होगा आपके फेस पे काफ़ी पैचेस पड़ जाएंगे हाथ लाइन वगैरह दिखेंगे बहुत ही बुरा आपका फेस लगेगा इसलिए आप हमेशा ब्लेंडर को जरूर वेट कर लिया करिए फिर यहाँ पे देखिए कंसीलिंग के लिए हम यहाँ पे लिए हैं मास्क का कंसीलर और जस्ट अपने द नोस पे लगा लेंगे डार्क सर्कल पे लगा लेंगे और आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उन जगह पे लगाइए और जिन्हें कंटूरिंग नहीं करना है तो वो आप कंटूरिंग के नीचे जस्ट इस तरीके जैसे मैंने किया है इस तरीके से आप अगर कंसीलर अप्लाई करते हैं और उसी जगह पर ब्लेंड करते हैं तो आपको कंटूरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ही हल्का सा कंटूरिंग मिल जाता है और फिर जस्ट इसे डैप डैप करके हमें ब्लेंड कर लेना है अच्छे से जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया बस उसी जगह पे हमें ब्लेंड करना है और फिर देखिए अगर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हैं समर में मेकअप कर अगर आपको स्वीट प्रूफ मेकअप चाहिए तो आप बेस जब भी लगाइए बेस लगाने के बाद आप मेकअप सेटिंग स्प्रे आप यूज़ करके उसे डैप डैप कर लीजिए ब्लेंडर से फिर यहाँ पे देखिए बेस को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैलियो का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि सेट था जीरो टू और मेरे फेस से मतलब मेरे स्किन से थोड़ा फेयर सेट था इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा वाइट लग रहा है बट अभी कंटूरिंग करने के बाद ये सही हो जाता है फिर देखिए अपने ब्रावो को फील करेंगे एक आई पैलेट से ब्लैक आईसाइडो लेके मैंने यहाँ पे फिल मतलब अपने ब्रावो को फील कर लिया है आप चाहे तो किसी भी आई पैलेट से कोई डार्क ब्राउन शेड या फिर ब्लैक शेड जो भी शेड्स से आपको पसंद हो उन सेड से आप अपने ब्राओ को फिल कर लीजिए उसके बाद अर्बन मैक का ये वाला साइडो पैलेट लिए जो कि मेरा फेवरेट है मेरा ही नहीं हर हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है जितने भी मेकअप जो भी मेकअप में इंटरेस्टेड है उनके पास काफ़ी मतलब ज़्यादातर लोग के पास ये वाला साइडो पैलेट जरूर देखा होगा आपने इसी से देखिए हमने येलो कलर का साइडो लेके अपने क्रीज लाइन बिल्ड बिल्डअप कर लेंगे और फिर उसके बाद जस्ट उसके नीचे क्रीज मतलब क्रीज लाइन के अपर में मैंने येलो साइड येलो साइडो यूज किया है उसके बाद क्रीज लाइन पे हम यूज़ करेंगे लाइट ग्रीन लेके लाइट ग्रीन कलर और येलो कलर को मिक्स करते हुए क्रीज लाइन हल्का सा बना लेंगे उसके बाद फिर आउटर कॉर्नर पे हम देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे आउटर कॉर्नर पे ब्लू कलर ब्लू कलर लेके प्लेस कर लेना है और आपको साथ ही साथ हम लोअर लैस पे भी लोअर लाइन पे भी मतलब लोअर लेस लाइन पे भी हम अप्लाई कर लेंगे ब्लू कलर और आप जो जो भी कलर यूज करिए उसे अच्छे से मिक्स करते जाइए ताकि कोई भी कलर अलग अलग से ना दिखे कोई भी हार्श लाइन वगैरह आपके आई मेकअप पे ना दिखे आपका मेकअप काफ़ी स्मूथ दिखे फिर देखिए सेंटर ऑफ द लेट पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पिंक कलर और इनर कॉर्नर पे येलो कलर इन सारे कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लाइन ना दिखे देखिए फिर इनर कॉर्नर में हम यहाँ पे येलो साइड येलो साइडर अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर अप्लाई कर लिया है गोल्डन ग्लिटर हमने इनर कॉर्नर से लेके सेंटर ऑफ द लिड तक अप्लाई कर लेना है अगर आपका ग्लिटर फॉल आउट होता है तो आप अपने ब्रश पे मेकअप फिक्सर एक बार स्प्रे करके उसके बाद आप स्टिक करिए तो काफ़ी अच्छे से लग जाता है वो फॉल आउट नहीं होगा अगेन देखिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस ब्यूटी का आईलाइनर और आज हम विंग आईलाइनर क्रिएट करेंगे जब भी आप विंग आईलाइनर क्रिएट करिए तो आप इनर कॉर्नर में अपने जरूर लगा लिया करिए क्योंकि बिना इनर कॉर्नर में लगाए काफ़ी खाली खाली सा अलग सा लगता है वैसे नॉर्मल में तो आप इनर कॉर्नर में ज़्यादा डीपली नहीं लगाएंगे तो चलेगा लेकिन हमें यहाँ पर इनर कॉर्नर भी क्रिएट करना रहता है क्योंकि मैंने आज विंग आईलाइनर क्रिएट किया है और आप देखिए कितना खूबसूरत कितना अच्छा आई मेकअप लुक क्रिएट हुआ था और फिर देखिए हमने यहाँ पे लोअर लेस लाइन पे हल्का सा काजल लगा के उसे ब्लू कलर और येलो कलर से अच्छे से स्मच कर लिया था ताकि कोई लाइन ना दिखे और जस्ट मुझे एक मतलब एक कलर कलर्स हल्का सा चाहिए था बट बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था तो इसे हमने साइडों से ही अच्छे से अप्लाई किया फिर यहाँ पे देखिए अपने लाइसेस को हम कर्ल करके मस्कारा अप्लाई कर लिए थे विस ब्यूटी का ही मस्कारा है और यहाँ पे फिर फॉल्स आई लैसेस हम यूज किए हैं अगर आप चाहें तो फॉल्स आई लैसेस स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो बट मुझे यहाँ पे फुल लुक क्रिएट करना था आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने फॉल्स आई लैसेस यूज किया फिर यहाँ पर तीन पैलेट से हम ले लेंगे कंटूरिंग और कंटूरिंग अपने पूरे फेस पे कर लेंगे अपने चिक्स पे जॉ लाइन पे और नोस पे फॉरहेड पे इन सारे जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको नीड है और आप जब भी कंटूरिंग करिए आप इस तरीके से फेस बना के अगर कंटूरिंग करेंगे तो आपको एक हेल्प मिल जाता है आपके फेस को तो मतलब आपको एक हेल्प मिल जाएगा जहाँ कहाँ पर हमें कंटूरिंग करना है तो आपको फाइन लाइन दिख जाएंगे वहाँ से आप फन कंटोरिंग अच्छे से कर पाएंगे और कंटूरिंग आप जरूर किया करिए कंटूरिंग करने से आपका फेस चीज़र दिखता है पतला दिखता है स्लिम दिखता है आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा डायमेंसन मिल जाता है और पूरा बेस आपका वाइट वाइट सा नहीं लगता अच्छा लुक लगता है बहुत लोग क्या होता है कि लगा लेते हैं बेस हमेशा वाइट दिखता है तो अजीब लगता है बट आप अगर हल्का सा कंटूरिंग कर लेंगे तो आपका बेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा बहुत काफ़ी आपके फेस को डायमेंसन मिल जाएगा तो फिर आपका फेस वाइट वाइट नहीं लगेगा देखिए यहाँ पे हर जगह पे हमने कंटूरिंग कर लिया है उसके बाद नोज़ पे अगर आप हर जगह पे कंटूरिंग अगर आप कंटूरिंग नहीं पसंद है तो पूरे फेस पे अगर नहीं करना चाहते तो आप नोज़ पे जरूर कर लीजिए नोज़ पे करने से क्या होता है कि आपका नोज़ काफ़ी पतला दिखता है अच्छा दिखता है सेप अच्छा सा आ जाता है ब्रॉड नहीं दिखता वरना तो नोज़ काफ़ी अगर जिसका ब्रॉड मतलब मेरे तो नॉर्मल है जिसके ब्रॉड हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता फिर उसी पैलेट से हम यहाँ पर देखिए ब्लसर लगा लेंगे अपने चिक्स पर ब्लसर हम यहाँ पर पिंक कलर का ले लिए हैं और ज़्यादातर मैं वीडियोज़ में पिंक कलर के ही ब्लसर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अभी अभी मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं मैं उतने में ही मेकअप करके आप लोगों को दिखाती हूँ बट आपको जितने भी तरीके होते हैं मेकअप के मतलब जितने भी स्टेप होते हैं मैं सारा स्टेप आपको दिखाती हूँ आपको कोई भी स्टेप मैं मिस नहीं करती सारा स्टेप बाई स्टेप सारा टेक्निक मैं आपको दिखाते बताते नए नए टेक्निक लेके आती हूँ और आज आप आज देखिए मैंने आपको बेस बनाने का नया टेक्निक बताया जो पार्लर में यूज होता है उसके बाद देखिए यहाँ बैक ट्रेफ्ट का हम ले लिए हैं हाई लाइटर यहाँ पे चिक्स पे सेंटर ऑफ द फॉरहेड पे बो पे सेंटर ऑफ द नोज पे ब्राउ बोन पे इनर कॉर्नर पे इन सारे जगह पे हमें अप्लाई कर लेना है जहाँ जहाँ पे हाई पॉइंट है हमारे जहाँ पे भी हमारे लाइट पड़ते हैं वहाँ पे हमें अच्छे से अप्लाई कर लेना है आप अपने अकॉर्डिंग आपको मतलब जितना पसंद है आप उतना अपने हिसाब से हाईलाइट करिए बहुत लोगों को काफ़ी ग्लोई स्किन पसंद होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ करते हैं बट आप जब ये ध्यान रखिए जब भी आप डे टाइम पे हाईलाइटर यूज़ करें तो काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज करिए क्योंकि डे टाइम पे काफ़ी वो उभर के दिखता है और नाइट में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा अगर कर, अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखिए हम पूरे फेस को हाईलाइट कर लिया था अब यहाँ पे विस ब्यूटी का ले लिए हैं हम लिप पैलेट आल अबाउट लिप पैलेट है इसमें टेन सेड्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे सेड्स हैं इसका मैंने रिव्यू किया है अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप वहाँ के जा वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लिप है मतलब काफ़ी मैट कलर बहुत ही अच्छे अच्छे कलर मैंने उसमें पूरा कलर लगा के दिखाया है आप वहाँ जाके चेक करिए अगर आपको चाहिए तो मेरे लिंक से आप वहाँ परचेज़ कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए काफ़ी मतलब कोरल सेड मैंने न्यूट सा शेड ले लिया है पिच और थोड़ा सा ब्राउन टाइप में था बस उसी सेड को लेके मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई किया अपने फेस को यहाँ पर हम एडीएस मेकअप फिक्सर से सेट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे सी बिंदी हम लगा लिए थे पिंक कलर की जो कि मेरे ड्रेस में हल्का सा पिंक शेड भी था और फिर देखिए ये जो दो टूबन बनाए थे आप लोग जब से देख रहे हो आप लोगों को मतलब काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा हंसी भी आ रही होगी बट ये काफ़ी काम की चीज़ है देखिए यहाँ पे मैंने टाइट कल्स तो नहीं बनाए हैं बट वेब्स के मतलब जो वेब्स टाइप के कल्स होते हैं उस टाइप को मैंने हल्का हल्का सा कल्स बनाया है मैंने सिर्फ एक घंटा से भी कम मैंने पौना घंटा सिर्फ रखा था देखिए इतने अच्छे कल्स आए हैं अगर आपको टाइट कल्स चाहिए तो आप मतलब ओवर नाइट रखे या फिर तीन से चार घंटे रखेंगे तो बहुत ही टाइट कल्स मिल जाएंगे और कल्स बनने के बाद आप कोई भी स्प्रे अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपका कल सारा मतलब पूरे टाइम तक टिका रहेगा अगर आपको कल्स वाले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मैं आप लोगों को कमेंट कल्स करना ज़रूर बताऊंगी कि हीटलेस कर्ल है आपके बाल इससे ख़राब नहीं होंगे क्योंकि तो हीट जितने भी हीट टूल्स आते हैं उन सारे हीट टूल्स लगाने से अपने आपके बाल बहुत ही रफ हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही खराब मतलब काफ़ी हेयर फॉल्स वगैरह हो जाता है फिर यहाँ पे देखिए लोकल शॉप से ही हमने ये ज्वेलरी लिया था ये हल्के हल्के से ज्वेलरी है सिंपल में और ब्लैक कलर का मेरा बॉर्डर था मेरे साड़ी का तो उसी हिसाब से मैंने ज्वेलरी भी पहन लिया है बहुत ही अच्छा ज्वेलरी था मुझे मिल गया था काफ़ी कम प्राइस में जस्ट मुझे थ्री फिफ्टी में सारे ज्वेलरी मिल गए थी मतलब रिंग इयर और ये नेक मतलब ये गले में का ये सारा चीज़ मुझे मिल गया उसके बाद डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे हमने कड़ा डाल लिया था ये चूड़ा का कड़ा था तो उसी में से जस्ट मैंने एक कड़ा निकाल के डाल लिया क्योंकि इसे सेट मतलब मिलता जुलता शेयर मिल रहा था तो जैसे तैसे करके मैंने देखे अपना फुल लुक क्रिएट कर लिया है अगर मेरी मेकअप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को अगर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप जरूर हिट कर दिया करिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग मेरा कोई भी वीडियो ना मिस करें मेकअप पसंद आई हो या फिर आप मुझसे कोई गलती हुई हो कोई प्रॉब्लम हुआ हो बीच में कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं आपसे देखिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्त रहिए बाय बाय